लोगों का मानना है कि नंदी के मुंह से कंटिन्यूस पानी के आने का सोर्स अननोन है। नमस्कार, जस्ट टू मिनट्स विद राहुल नागड़ा में आपका स्वागत। बैंगलोर, जिसे गार्डन सिटी भी कहते हैं, वहाँ एक 400 साल पुराना शिव मंदिर है। इस मंदिर में नंदी के मुंह से पानी की धार बहती है और शिवलिंग की पूजा होती है। आज इस वीडियो में हम श्री दक्षिण मुख नंदी तीर्थ कल्याणी क्षेत्र के बारे में देखेंगे, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो शुरू करते हैं। ये मंदिर बैंगलोर के मलेश्वरम एरिया में स्थित है। ये एक छोटा मंदिर है। जनरली हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर नंदी की स्थापना शिवलिंग के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर की गई है और इस नंदी के मुंह से कंटिन्यूसली पानी की धार से नीचे शिवलिंग की पूजा होती है। ये पानी फिर एक टेम्पल टैंक में कलेक्ट होता है। माना जाता है कि ये पानी बहुत पवित्र है। मलेश्वरम एक रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे जब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने लगे तो कुछ लोगों ने एक खाली पड़े प्लॉट को बेचना चाहा, पर वहाँ के लोकल्स ने इसका विरोध किया कि यहाँ पर एक मंदिर है। जब 1997 में यहाँ एक्सकवेशन हुआ तो यहाँ से मंदिर निकला। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है। लोगों का मानना है कि नंदी के मुंह से कंटिन्यूस पानी के आने का सोर्स अननोन है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये मंदिर एक हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। इस मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर सैंकी टैंक है और नंदी के मुंह से पानी इस सैंकी टैंक के एक्सेस आउटफ्लो की वजह से आता है और फिर ये पानी जो टेंपल टैंक में कलेक्ट होता है उसका ओवरफ्लो बाहर के कुएं में जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।